हेलो दोस्तों, आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो है फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम मेनली दो टाइप से होते हैं, एक कॉप्लेनर एक नॉन कॉप्लेनर। कॉप्लेनर टाइप का जो होता है उसके चार प्रकार होते हैं, कोलिनियर, पैरेलल, कॉन्कुरेंट, नॉन कॉन्कुरेंट। और नॉन कॉप्लेनर कॉप्लेनर जो होता है उसके तीन प्रकार होते हैं, पैरेलल, कॉन्कुरेंट और नॉन कॉन्कुरेंट। अब हम सब पढ़ेंगे कॉप्लेनर क्या होता है और नॉन कॉप्लेनर क्या होता है। फोर्स के जो मेनली सिस्टम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, कॉप्लेनर नॉन कॉप्लेनर। कॉप्लेनर के जो चार प्रकार होते हैं, कोलिनियर, पैरेलल, कॉन्कोरेंट, नॉन कॉन्कोरेंट। और नॉन कॉप्लेनर के तीन प्रकार होते हैं, पैरेलल, कॉन्कोरेंट, नॉन कॉन्कोरेंट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कॉप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे, डायग्राम में बना हुआ है आपको ये, आपको ऊपर से एक वायर है, वायर के द्वारा एक बल्ब लटका हुआ है। तो इसमें कॉन्कुरेंट जो होता है वो होता है, इन दिस सिस्टम ऑल द फोर्सेस मीट एट वन पॉइंट, किसी एक पॉइंट ऑफ फोर्स पूरे मिलकर के लगते हैं, वो कहलाता है कॉन्कुरेंट फोर्स कहलाता है कॉप्लेनर। जैसे कि एक लैंप है जो हैंगिंग फ्रॉम टू वायर, दो वायर के द्वारा एक लैंप लटका हुआ, जिसमें कि एक T1 टेंशन फोर्स लग रहा है, एक T2 टेंशन फोर्स लग रहा है, जो कि आकर के एक ए पॉइंट पर मिड पॉइंट पर मिल रहा है और ये W लोड को सपोर्ट कर रहा है, तो ये कॉप्लेनर फोर्स कहलाता है। अब आता है नॉन कॉप्लेनर। नॉन कॉप्लेनर जो होता है वो ये होता है, व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेम डू नॉट ली इन अ सिंगल प्लेन, दे आर टर्म्ड एज नॉन कॉप्लेनर फोर्सेज आर स्पेस फोर्स। जब कोई फोर्स एक सिस्टम होता है जिसमें कि एक सिंगल प्लेन पे फोर्स अप्लाई नहीं होता है, वो नॉन कॉप्लेनर फोर्सेज कहलाता है या स्पेस फोर्सेज कहलाता है। जैसे कि डायग्राम में देख रहे होगे आप, डायग्राम में आपको जो अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, जैसे कि एक आपको F1, एक आपको X डायरेक्शन, Y डायरेक्शन और Z डायरेक्शन, तीन डायरेक्शन है। तीन डायरेक्शन में से फोर्स आपको, जैसे कि ये F1 फोर्स नीचे साइड लग रहा है, ये F1 फोर्स आपको नीचे साइड से लग रहा है, ये F2 फोर्स आपको ये लग रहा है इस साइड, और F3 फोर्स इस साइड लग रहा है। तो आपका ये है जो फोर्स है सिंगल प्लेन पे नहीं लगता है, इसको हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम या स्पेस फोर्स सिस्टम बोलते हैं। एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में है, जो कि सेम प्लेन पे नहीं लगता है, उसको नॉन कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं। अब आता है नॉन कॉप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स। नॉन कॉप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स जो होता है ये होता है, द फोर्सेज वोज लाइन ऑफ एक्शन ली ऑन द सेम प्लेन बट दे डू नॉट मीट एट वन पॉइंट आर नॉन एज कॉप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स। इसका मतलब ये होता है, इस डायग्राम को आप देखोगे कि ये इस फोर्स सिस्टम में जो फोर्स होते हैं वो हमारे सेम प्लेन में लगते हैं, लेकिन वो जाकर के एक पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, उसको हम कोप्लेनर नॉन कॉन्कोरेंट फोर्स बोलते हैं। पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के, लेकिन ये एक पॉइंट पे नहीं लगेंगे, तो इसलिए इसको कोप्लेनर नॉन कॉन्कोरेंट फोर्स बोलते हैं। जैसे डायग्राम देख रहे हो, लाइन्स ऑफ एक्शन डू नॉट मीट। अब देखो आप, एक ये फोर्स दिख रहा है, एक ये फोर्स दिख रहा है, दोनों फोर्स है जो सेम प्लेन में है, लेकिन ये एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है। जैसे कि ये डायग्राम में देख रहे होगे आप, डायग्राम में 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एक बी पॉइंट से, 200 न्यूटन किलो न्यूटन का, और सी पॉइंट से 50 किलो न्यूटन का, और डी पॉइंट से 50 किलो न्यूटन का फोर्स लगा। सेम प्लेन है लेकिन इसमें जो पॉइंट फोर्स है एक पॉइंट पे नहीं लग रहा है, इसको हम बोलते हैं कॉप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स, जो कि हमारे एक ही डायरेक्शन में रहे, सेम प्लेन में रहे, लेकिन ये एक पॉइंट पे नहीं मिले, उसको हम कॉप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स बोलते हैं। अब आता है ये नॉन कॉप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स। ये होता है, फोर्स इज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट ली ऑन द सेम प्लेन बट दे मीट एट वन पॉइंट। इसमें क्या होता है, जो फोर्स है वो सेम प्लेन में नहीं होता है, ये इसमें फोर्स एक पॉइंट पे आकर के मिलता है, इसको नॉन कॉप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम आप देख रहे होगे, एक एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन है, इसमें एक F1 फोर्स, एक F2 फोर्स, F3 फोर्स, तीनों आकर के सेंटर में फोर्स मिल रहा है,
पॉइंट बना रहा है, पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, इसलिए इसको बोल देंगे नॉन कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स, जिसमें कि इसमें सेम प्लेन में नहीं होता है लेकिन एक पॉइंट पर मिलता है डायरेक्ट। जैसे ये डायग्राम देखोगे, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, इसमें एक आर वन, आर एक्स, आर वाई और आर जेड रिएक्शन हो जाएगी, थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री एंगल हो जाएगा, और इसमें हमारे पास एक पॉइंट फोर्स लग रहा है, बाकी इसमें सेम प्लेन नहीं है, इसमें इसको हम नॉन कोप्लेनर कॉन्कुरेंट फोर्स बोलेंगे। अब आता है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स। अगर कोई पूछता है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स क्या होता है, फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट ली ऑन द सेम प्लेन एंड दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स वो कहलाता है जो कि सेम प्लेन पे भी नहीं रहे और ना ही एक पॉइंट मिलकर के बना है, उसको हम नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट बोलते हैं। जैसे कि डायग्राम देख रहे होगे आप, इसमें इस ये बना हुआ है, इसमें आपको फोर्स एफ वन फोर्स है जो कि अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एफ टू फोर्स अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एफ थ्री फोर्स अलग डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन ना ही ये सेम प्लेन में है और ना ही ये एक पॉइंट बनाते हैं, इसलिए इसको हम नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्कुरेंट फोर्स बोलते हैं।